अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग कवर किए हटिया का जो रेलवे स्टेशन था उसका रीडेवलपमेंट का प्लान, देखें और जाके देखें काम हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरीके से फिर वहां पर हटिया का जो गेट है रेलवे क्रॉसिंग का, वहां पर एक न्यू आरओबी बनने वाला है, उसका अपडेट दिए। और फिर यहां से हम सीधे चलेंगे रांची का सबसे खूबसूरत रोड जो HEC रोड है, उसको पूरे तरीके से रीडेवलप किया है। और एक्चुअल में ये एक तरीके से इनर रिंग रोड का भी पार्ट है, इसीलिए ये डेवलप हो रहा है। और इसमें ऑलमोस्ट काम हो ही चुका है और अभी हम हो करके आए उसमें से। देखें काम हुआ है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ। मतलब उस एरिया में अगर आप रहिए तो लगेगा ही नहीं कि रांची का ही रोड है, इस तरीके से बना है। 6 लेन टाइप का रोड है, फिर उसके बाद फिर वहाँ पे साइकिल ट्रैक, साइकिल ट्रैक के बाद फुटपाथ, फुटपाथ पे भी बड़ा बड़ा प्लांट पेड़ लगा हुआ है, ट्रीज़ है, चबूतरा बना हुआ है, पेड़ सबको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। उसी तरीके से फिर वहाँ पे शेड लगाया गया, शेड में बेंच है, वहाँ पे लोग बैठ करके ही डिस्कशन कर सकता है, इस तरह का इंतजाम वहाँ पे। तो बहुत खूबसूरत रोड है वो वाला। उस एरिया में रहने पर, मतलब जाने पर अलग ही लुक लगता है, लगता नहीं कि वहाँ पे रांची में इस तरह का रोड बना है। वो सिंगापुर स्टाइल का रोड है वो, और ऐसा ऐसा इंडिया में कई मेट्रो सिटीज़ में भी चल रहा है। और ये एक रोड सिर्फ बना है, ऐसा ऐसा भी पूरा एक सर्कल बनने वाला है, पूरा एक रिंग बनने वाला है ऐसा रोड का, और वो रिंग होगा इनर रिंग रोड। तो कभी इनर रिंग रोड का भी हम प्रोजेक्ट का डिटेल देंगे आपको, बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ पहले इस रोड में दिखाते हैं। इस रोड में जाकर के देखें, रोड तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसी रोड में आगे जाइए धुरवा गोल चक्कर आ जाएगा, वहाँ पे मेट्रो काम होगा, हटिया रेलवे स्टेशन में वहाँ पे मेट्रो का स्टेशन बनेगा। ये सारा कुछ हम बताते चल रहे हैं और ये सब वीडियो में भी आपको दिखाएंगे। और स्ट्रीट लाइट लगाया वहाँ पे, स्ट्रीट लाइट पहले नहीं था, उस रोड में लाइट नहीं था। जो लाइट नहीं होने के कारण रात में जाइए अंधेरा लगेगा। जो डिवाइडर है उसमें भी स्ट्रीट लाइट लगाया, जो फुटपाथ है वहाँ भी स्ट्रीट लगाया। स्ट्रीट लाइट कैसे कैसे लगाया, एक बीच डिवाइडर में लगाया, फिर राइट साइड के फुटपाथ में लगाया, फिर लेफ्ट साइड के फुटपाथ में लगाया, मतलब तीन तीन स्ट्रीट लाइट लगाया। और ये स्ट्रीट लाइट ऐसा लगा है जैसा कहीं है ही नहीं इस तरह का रांची में कहीं, और मतलब लालटेन स्टाइल का लगाया, लालटेन लग रहा है कि लालटेन लटका हुआ है, और इस तरीके से दो तरफ से लटका हुआ लाइट है, बहुत खूबसूरत है। ये सब कुछ हम आपको वीडियो में कवर किए हैं, तो पूरा डिटेल आपको यहाँ दिखाएंगे। और बताने के लिए तो अपडेट बहुत कुछ है, लेकिन इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा हो जाए, कई लोग बोलते हैं बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन रहता है आपका, तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत कुछ है, लेकिन चलते हैं रोड पे ही जाकर के देखते हैं सारा वीडियो कैसा, क्या क्या अपडेट है। और पेड़ भी लगाया है तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत नया नया प्लांट लगाया है, रंग बिरंगा एकदम, जब उसमें बारिश होकर के और जब उसका पेड़ बड़ा होगा बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एरिया पूरे तरीके से डेवलप होने वाला है, और ये सब ग्रेटर रांची एरिया, स्मार्ट सिटी एरिया, ये सब मिल करके पूरा 3000 एकड़ का एक नया रांची शहर बसा देगा। और ये जो रोड इतना चौड़ा किया गया है क्योंकि इसमें सिटी बस राइड होगा, जब रांची सिटी के चारों तरफ पूरा जो एक रिंग बनाएगा इनर रिंग रोड, उस इनर रिंग रोड में सिटी बस का सिस्टम रहेगा, सिटी बस के थ्रू आप आना जाना कर सकते हैं, स्टॉपेज वगैरह सब बनेगा। तो ये बहुत बड़ा मतलब प्रोजेक्ट लेकर काम चल रहा है, लेकिन इतना मुश्किल है इस काम को करना क्योंकि कई जगह पर पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हटाना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा लोगों को, इसी वजह से ये काम रुकते जा रहा है। तो पिछला गवर्नमेंट के टाइम में भी थोड़ा सा काम रुका, इस बार भी थोड़ा सा काम रुका, इस गवर्नमेंट में थोड़ा सा बस काम हुआ है, लेकिन अभी बड़ा काम रुका ही हुआ है क्योंकि कई रोड जो पहले से एग्जिस्टिंग रोड है उसको इनर रिंग रोड में बनाएगा, और कुछ रोड जो है वो नया बनेगा, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनेगा, मतलब नए ग्राउंड पर नया रोड बनेगा। तो नया रोड जो बनेगा उसमें बहुत मुश्किल है काम करना, लेकिन फिर भी धीमे धीमे गवर्नमेंट काम कर रहा है। तो ये सब कुछ अपडेट आपको हम देंगे, तो चलते हैं हम लोग रोड पर, और रोड पर जाकर के पूरा देखेंगे कैसा कैसा वीडियो बनाए। तो वीडियो पसंद है दोस्तों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का अपडेट यहाँ आपको मिलता रहेगा। और जहाँ जहाँ का अपडेट आपको चाहिए कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं रांची घूमो सीरीज़, इस रांची घूमो सीरीज़ में अगर आप सब्सक्राइब कर जुड़ रहिएगा तो पूरे तरीके से रांची आप घूम सकते हो। तो इस एरिया को, रांची को भी हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे एरिया में चलेंगे। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, अब चलते हैं हम लोग रोड पर और वीडियो को मजा लीजिए। दोस्तों हम HEC रेल हटिया रेलवे स्टेशन कवर करने के बाद आ गए हैं इस तरफ, और यहाँ जो पुराना पुल था हटिया का वो एक्चुअल में धस गया थोड़ा सा, तो उसको तोड़ करके रिपेयर करेगा, जैसे नया पुल बना है वैसे इधर नया पुल बनाएगा, और ये पुराना पुल काफी पतला भी था। और इधर देख सकते हैं ये रेलवे का रेलवे लाइन है, और हम चलेंगे सीधे दोस्तों, सीधे आपको निकलेगा
धुरवा एचईसी का रोड बेहद खूबसूरत बना है, सिंगापुर स्टाइल का। बहुत कुछ है इस रोड में जिसका अपडेट आपको कई बार दिए हैं, आज फिर से चलते हैं बहुत दिनों बाद, कई महीने के बाद आ रहे हैं। और इधर बस तो दाहिने निकल जाएगा राजपथ हरमो रोड, और उसका एक प्रोजेक्ट बहुत सही है, लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, लेकिन अभी पहले हम चलेंगे सीधे। सब रोड धीमे धीमे बहुत बिजी होते जा रहा है। एक ट्रायंगल सेक्शन यहाँ पे बनाया है और यहाँ से दोस्तों रहेगा फ्लाईओवर, आपको हम बता दें, गाड़ी साइड कर बताते हैं। उधर से डीपीएस की तरफ से और बिरसा चौक की तरफ से फ्लाईओवर होके आएगा, दो दो लेन का, तो दो लेन का राइट रहेगा, दो लेन का लेफ्ट रहेगा, अलग अलग पिलर पे बनेगा। और यहाँ से अगर दोस्तों आप निकलिएगा इधर, तो ये आपको निकाल देगा रांची हटिया स्टेशन की तरफ, पीछे पीछे ये रास्ता भी आप निकल सकते हो, हटिया स्टेशन के तरफ पीछे का रास्ता। और यहाँ देखिए दोस्तों रेलिंग वगैरह बैरिकेडिंग सब हो गया है, शेड भी लग गया और ट्रैक भी बन चुका है, साइकिल ट्रैक, ये साइकिल ट्रैक है। पेड़ का मजबूतीकरण भी हो गया है, पेड़ में चबूतरा बना दिया है, कोई पेड़ कटा नहीं। देखिए अंकल जी अपना साइकिल चला के आ रहे हैं मस्त। बट लोगों का हाल देखिए चल रहा है इस पर, फुटपाथ जबकि वो है, काफी चौड़ा रोड है, सिक्स लेन रोड ऐसे ही बन गया, सिक्स लेन के बाद ये साइकिल ट्रैक, उसके बाद फुटपाथ, काम कंप्लीट हो चुका है इधर। और दाहिने में आप देखिए डिवाइडर का काम भी कंप्लीट हो गया, और यहीं पर दोस्तों दो लेन का फ्लाईओवर आके डाउन हो जाएगा। ब्रेकर भी छोटा छोटा बनाया है। और ये दोस्तों पुराना विधानसभा, इसी में चलता था झारखंड विधानसभा परिसर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पुराना विधानसभा, इसी में चलता था रामनिक रांची। और ये रोड काफी लंबा रोड है दोस्तों, 2. कुछ किलोमीटर लेंथ का है। इसमें इस तरफ जो ट्रैक हम चल रहे हैं, ये ट्रैक, ये एक्चुअल में बाइक सबका ट्रैक है, और यहाँ पर ग्रीन ग्रीन लाइट लगाया है, इधर ऑरेंज लाइट लगाया है, बीच में व्हाइट लाइट, यहाँ ग्रीन लाइट, मतलब तिरंगा बना दिया है। ओह माय, ये कैसा बनाया है, डिवाइडर के साइड लगाया ऑरेंज लाइट, बीच में लगाया व्हाइट लाइट, और यह लगाया ग्रीन लाइट, मतलब अगर रात में कोई लाइट, रात में कोई अगर इधर आएगा तो उसको रोड पर तिरंगा दिखेगा, नेशनल फ्लैग वाला थीम पर बना दिया है। वहां विवेकानंद विद्या मंदिर है, ब्रिजपोर्ट स्कूल, विवेकानंद विद्या मंदिर, यही सब। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको उखाड़ भी दिया, इसका बॉल को, यहाँ से दाहिने रास्ता निकल जाएगा ग्रेटर रांची एरिया,
झारखंड विधानसभा हाईकोर्ट सब जाने का रास्ता इधर। ऑटो पार्क किया है उसमें, ठीक ही है, रोड क्लियर है। और देखिए दोस्तों, कार पार्क किया है इसमें, ये कोई गवर्नमेंट का ही बिल्डिंग है। जगह जगह से देखिए दोस्तों, वॉल को कोई चुरा लिया है, इतना खूबसूरत रोड बनाया। यही बॉल है, इसको अलग अलग तरीके से लोग नोच नोच के चुरा के चल जा रहा है। इसमें रेडियम लगा हुआ है, रात में आइएगा तो चमकेगा ये। और यहाँ दूर से देखिए दोस्तों क्या व्यू आ रहा है, मतलब बेहद खूबसूरत है। दोनों तीनों तरफ पेड़, बीच में डिवाइडर है पेड़, लेफ्ट में, राइट में। और आपको बताया दोस्तों, इस रोड में आगे मेट्रो का एक प्रोजेक्ट है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ जो ये राइट जो कट निकल रहा है दोस्तों, इस राइट में जेसीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जाने का वीआईपी रोड है ये। यहाँ से आप जब मैच होता है तो प्लेयर्स लोगों के लिए ही रास्ता बनाया जाता है। अरे तो बहुत खूबसूरत लाइट लगाया है दोस्तों, बहुत एक्सपेंसिव, महंगा, मतलब नाइट में अगर आएंगे इधर तो बहुत अच्छा लगेगा। एक पुल लाइट यहाँ है बीच में भी, बीच डिवाइडर में भी जो लाइट लगा है वो सब नया स्टाइल का लाइट लगा है, लालटेन टाइप। यहाँ देखिए दोस्तों, एक दिन आएंगे यहाँ पर नाइट का ब्लॉग बनाने, तब लुक आएगा जबरदस्त। ये देखिए शेड बन गया, और शेड के पास का ये हालात है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लोग रहता होगा उन लोग के लिए तो बेहद अच्छा मौका है इवनिंग वॉक, और इवनिंग में बैठ करके मीटिंग करने का। लाइट देख के हमको बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत लाइट लगाया है, सब अंडरग्राउंड हो गया केबलिंग, कोई यहाँ भी देखिए बीच बीच में लगाया है प्लांट, सब खूबसूरत खूबसूरत पौधा लगाया है। खर्चा हुआ इस रोड में जबरदस्त, क्योंकि सब जो लाइट आता है सब महंगा लाइट होता है। और यहाँ ये मल्टीपल पोल्स है, यहीं से जमीन के अंदर से वायर निकल रहा है, और ये दोस्तों निकल जाएगा धुरवा का सेक्टर का एरिया। ये सब भी फ्यूचर में सब रोड सही करेगा, अभी उतना काम इस पर नहीं हुआ है, क्योंकि वो पूरे तरीके से क्वार्टर का एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया, लोग रहता है बस। यहाँ देखिए लाइट कितना अच्छा लगा हुआ है, जबरदस्त लाइट लगा हुआ है। यहाँ रेड रेड साइकिल का जो बिछाया है, इसमें अभी साइकिल का सिंबल लगना बाकी है, साइकिल का सिंबल लग जाएगा। और थोड़ा बीच से दिखाते हैं दोस्तों, फास्ट लेकर गाड़ी, ये देखिए पूरा कंटिन्यू लाइट लगा हुआ है, कंटिन्यू लाइट यहाँ पर
खूबसूरत वाला लगा हुआ है। और दोस्तों बताते हैं आपको, यहाँ पर ये जो सामने आया ये अपना हुआ ध्रुवा गोल चक्कर, और इस ध्रुवा गोल चक्कर के पास यहाँ से ऊपर ऊपर निकलेगा रांची मेट्रो का ट्रैक ऊपर ऊपर। आपको हम दिखाते हैं, देखिए उस तरफ रांची स्मार्ट सिटी है, और रांची स्मार्ट सिटी में वहाँ हटिया की तरफ स्टेशन बनेगा, उधर से ऊपर ऊपर रांची मेट्रो का ट्रैक होके आएगा जो निकलेगा दाहिने और निकल जाएगा विधानसभा की तरफ। तो बेहद खूबसूरत लगेगा फिर ये एरिया, और रांची स्मार्ट सिटी में भी रहेगा मेट्रो का ट्रैक। तो वीडियो पसंद दोस्तों लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।